हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज बैक ने आइडिया कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। दोनों लाइनिंग में ब्लाउज दोनों कट कर ली हमने। देखिए मैं आपको इसका साइज बता देती हूँ। देखिए इसकी जो लंबाई ली हमने 14 इंच है। देखिए हम 30 साइज बना रहे हैं तो डबल फोल्ड मैंने 7.5 इंच ले लिए और 2 इंच वाला मार्जिन है इसमें। शोल्डर में 6 इंच लिए, मुड्डी में 6 इंच लिए और इसमें हमने 1.5 इंच की गुलाई दी है। देखिए पहले हम लाइनिंग पे कट करेंगे फिर ब्लाउज पे, तो ब्लाउज हम साइड में रख लेते हैं। देखिए शोल्डर से हम 2.5 इंच में निशाना लगाते हैं। इन्हें 9.5 इंच लूंगी नीचे तक, ऐसा एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस तरह बॉक्स बना लेते हैं। देखिए इसमें हम नेक ड्रॉ करेंगे। ये इस तरह हम बॉक्स के अंदर लेंगे हम पहले, देखिए इस तरह में ड्रॉ कर लिए। अब हम सेम कॉपी से कट करेंगे। देखिए इस तरह में कट कर लिए। अब हम सेम ड्राफ्ट रख के इसकी कैनवास कट करेंगे। देखिए कैनवास मैंने डबल फोल्ड कर लिया है इस तरह, और जो मैं ड्राफ्ट निकला था इसे हम इस तरह रखेंगे और सेम ड्राफ्ट हम कट करेंगे इसे। देखिए इस तरह में कट कर लिया, इसकी चौड़ाई लेंगे वो 1 इंच लेंगे। देखिए इस तरह मैंने कट कर लिया है, नीचे ब्लाउज रखेंगे सीधा और इसके ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे। देखिए इस तरह, और इसके ऊपर हम कैनवास रखेंगे जो मैं कट की थी इस तरह, और हम पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे फिर बीच का नेक कट करेंगे और फिर इसे अंदर पलट देंगे हम। देखिए ये हमने कपड़ा है हमारा एक्स्ट्रा, इसे हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे, इसे हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे इस तरह, इसकी चौड़ाई लेंगे हम वो 1.5 इंच लेंगे डबल फोल्ड में और इस तरह हम कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह मैं और पट्टियां कट कर लेती हूँ क्योंकि हम फ्रिल लगाएंगे उसमें पूरे नेक में। देखिए इस तरह हम इसे सिलाई लगा लेंगे, जॉइंट कर लेंगे हम इसे इस तरह, फिर हम इस तरह डबल फोल्ड करके पूरे में फ्रिल लगाएंगे। और ये मैंने गोल्डन कलर की लेस भी ली है, ये भी लगाएंगे हम। अब मैं आपको उसका सिलने का मेथड बताती हूँ। देखिए नीचे मैंने ब्लाउज रख लिया सेट करके और पिन से भी हमने सेट कर लिया। देखिए और इस तरह पूरे में राउंड में सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने पूरे में सिलाई लगा दिया। अब जो हम बीच का नेक है इसे हम कट करेंगे। देखिए इस तरह मैं कट कर लिए और इस तरह अंदर फोल्ड करेंगे इसे इस तरह और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह मैं पूरे में सिलाई लगा दिए और जो ये पट्टी थी, ये पट्टी हमारी, इसे जॉइंट करेंगे हम। देखिए इस तरह हम इस पट्टी को जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह मैंने डॉट सिलाई लगा दी इस पे। देखिए इस तरह मैंने डॉट सीधा रख लिया है
और हमने पट्टी कट की थी, इस तरह डबल फोल्ड करेंगे इसे हम, और इस तरह हम इसमें प्लेट डाल के फ्रिल लगाएंगे इसमें, इस तरह पूरे में। देखिए इस तरह मैंने पूरे फ्रिल लगा लिए, और देखिए अब हम इसमें लेस लगाएंगे, ये देखिए इस तरह इसमें फिनिशिंग देने के लिए। देखिए इस तरह मैंने लेस लगा दी, इस तरह एक और लाइन लगाएंगे बिल्कुल किनारे में। देखिए इस तरह मैंने डबल लेस भी लगा दी, अब नीचे फिनिशिंग और प्लेट डालेंगे नीचे। देखिए इस तरह मैंने बीच में से डबल फोल्ड कर लिए, और देखिए इस तरह निशान लगाएंगे हम 3.5 इंच पे, और इस तरह 3 इंच लंबी प्लेट डालेंगे। इसी तरह मैं दूसरी साइड निशान लगा लेती हूँ, डबल फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच होकर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह इसी तरह मैं दूसरी प्लेट पर डाल लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने दोनों प्लेट डालती है, अब नीचे हम फिनिशिंग देंगे इसमें। देखिए नीचे फिनिशिंग देने के लिए मैंने ये पट्टी कट की है 2.5 इंच चौड़ी, इसे हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे, ब्लाउज में अटैच कर देंगे सीधा। देखिए इस तरह हमने सिलाई लगा दी, इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। देखिए इसके ऊपर सिलाई लगा दी, इस तरह फोल्ड करेंगे अंदर और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। देखिए नीचे मैंने फिनिशिंग दे दी, देख सकते हैं हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। देखिए नीचे फिनिशिंग दे दी हमने, प्लेट भी डाल दिए, और देखिए हमें डबल लेयर लेस भी लगा दी है, फ्रिल भी लगा दी हमने। देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारे ब्लाउज का। इस आसान तरीके से आप सुंदर से डिजाइन बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना भूले। थैंक यू।